राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। दिल्ली में चार दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जल स्तर 208.4 मीटर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीर गेट तक पहुंच गया है। यह 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शहरदा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोगों की मदद के लिए NDRF की 16 टीमें लगाई गई है। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। अब तक यमुना के आसपास से 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच PM मोदी ने फ्रांस से अमित शाह को फोन करके दिल्ली में बाढ़ के हालत का जायजा लिया। शाह ने PM को बताया अगले 24 घंटे में यमुना का वाटर लेवल कम हो सकता है। दिल्ली CM केजरीवाल ने सेना से मदद की मांग की है। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। NDRF के DIG मोहसिन शहीदी ने बताया कि दिल्ली में बाढ़ से 6 जिले प्रभावित थे। बाढ़ से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े, जिससे अगले 1-2 दिन दिल्ली को 25% कम पानी मिलेगा। गुरुवार को दिल्ली में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का रेगुलेटर खराब हो गया। राजधानी के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में पानी भर जाने से रूट्स में बदलाव किया है। लाल किले में पानी भर जाने से टूरिस्ट के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।